पर मैं सबके हाथ में कलावा बांध रहा हूँ। तो अभी एक रिचुअल है जो यहाँ होने वाला है। गाइस ये वही मंदिर वाले बच्चे हैं। अरे बोलो। फाइनली आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा किचन और यहाँ पर डोर था। ओए लखनी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। आज है रामनवमी और मेरे यहाँ पर इन लॉज में रामनवमी को पूजा जाता है और मेरे घर पर मतलब मेरे मायके पर अष्टमी पूजी जाती है। तो आज हम लोग नवमी पूज रहे हैं, वो भी हमारे न्यू घर पर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली तो वो सारी कन्याएं उधर आएंगी लेकिन खाना उधर नहीं बन पाएगा बिकॉज वो अभी गैस ऑन नहीं किया, बहुत दिक्कत आ गई। कुछ हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए किचन में, इस वजह से एंड मोमेंट में हमें पता चला। बाकी सैंडी अभी नहाएगा, लखन और दीदी नहीं उठे हैं क्योंकि वो रात में लेट सोए ऑब्वियसली, तो वो उठेंगे, मैं उनको 9 बजे तक उठाऊंगी। तब तक मैं अपना सारा काम खत्म कर दूंगी। सारा का मतलब खाना बनाना, सब कुछ रेडी करना, पूजा सब साथ में करेंगे बट सब कुछ रेडी करने में मुझे 1 से 2 घंटा लग जाएगा। ये हम लोग अपने नए घर में जा रहे हैं, वहां पर यहाँ पर मैंने सब कर लिया है। अब सोच रहा हूँ कि मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मैंने रेड नहीं पहना, तो मैं भी साड़ी तो पहनूंगी। अभी सिर्फ मैं तैयारी कर रही हूँ ताकि पूजा की और कन्या पूजन की सारी तैयारी हो जाए, उसके बाद मैं रेडी हूँ। यहाँ पर अब मैं तैयारी करती हूँ और आज आप लोग देखोगे हमारा किचन जो कि नया बना है। आप कैसा लगा कमेंट से बताना। मैं चाहती थी ऐसा किचन बने, बिल्कुल मेरे मतलब मेरे हिसाब से किचन मैंने बनवाया है। बाकी आपके ऊपर है, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आप बताना कैसा किचन बना है। हमारे बीच तुषार भी आ चुका है, वो एसी के सारे रिमोट ढूंढ रहे हैं। अगर हम वहाँ पर कैमरा पैन नहीं कर सकते बिकॉज आपको घर दिख जाएगा। तो तुषार मिला रिमोट, देख लो, कोई भी ट्राई कर लो, एक तो चाबियां नहीं मिलती। तो गाइस ये है हमारी कल की मेहनत, जो आप कह रहे होंगे सोच रहे होंगे कि हम कल कहाँ गए थे। ये देखो ये चेयर ली और दिखाता हूँ आपको मंदिर। ये राज भैया सामान खोल रहे हमारा, ये सारा एक्चुअली किचन का सामान है जो कि हम कल शॉपिंग करके लेकर आए हैं। आपको किचन टूर दिखाना था, उससे पहले हमें अपना सामान भी सेट करना था। मैंने पूरा किचन तो कर दिया, अब मैं मंदिर करती हूँ और एसी ऑन हो गया। ये वाला एसी काफ़ी ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन हमारा ऑफिस रूम का एसी जिसमें गैस अभी तक पुनीत ने पता नहीं क्यों नहीं भरवाई है, उसका वाव यार। मैं यहाँ पर कम आ रही हूँ आजकल, चाय के कप भी ऐसे ही रखे, इन्होंने कोई होश नहीं है। मतलब मैं कम आ रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, गॉड लाइट्स कम है। लखन मिल से कि यार ये क्या कर दिया। थोड़ा हम अपने किचन को और सब चीज़ों को सजाने के लिए बहुत एफर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स रखना है इसमें। सो देख चल जाके अपने पुराने घर से, इसमें बादाम काजू किशमिश ठीक है जा। पिस्ता बीच में, पिस्ता महंगा आता है तो थोड़ा रखना है। ब्राउनी आप खाओगे बनाना? ब्राउनी तो हमेशा खाता है भाई। गुड मॉर्निंग। जब तुम सबसे पहले किसी को देखो तो क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। बोलते क्यों नहीं हो? गुड मॉर्निंग। हमारे छोटे के हाथ कट गया। चल छोटे तेरे को डॉक्टर के लिए चलो। छोटा यूनिक काम करता है, हल्के लगवा ही लेता है बेचारा। छोटे चला यार तेरे को, चला अरे यार इसका जल्दी कर रहा है, डिटॉल ले यार वहाँ से। चल चल यहाँ पर कुछ नहीं है, चल आ जा, चलो वहीं चल रहे हैं। चलो तो भाई अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे घर में, थोड़ा वहाँ से सामान लेकर आते हैं। ब्राउनी चलो, ये रहा मम्मी का चमचा इसकी। ब्राउनी नहीं, ये ऐसी है किसी के पीछे चले जाता है, इसमें कभी डाउट होता है मेरे को। हेलो गाइस वेलकम बैक टू नखीत व्लॉग्स। जल्दी से देखते ही व्लॉग को लाइक कर दो। आज है रामनवमी और हम लोग कन्या पूजन होने वाला है, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। नीतू ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, वैसे बच्चे कुछ ही तैयारी मैं करूंगा। मेरा काम सिर्फ एक है कि मैं टाइम से नहा के तैयार हो जाऊँ और वहाँ जाके बैठ जाऊँ। मेरा मन ललचा रहा है कि मैं भी वो कंजक बन के बैठते हैं ना, जो लड़के बैठते हैं उनको पैसे मिलते हैं, फिर मैं भी बन के बैठ जाऊँ, लेकिन इन सब ने मना कर दिया, कह रहे हैं एज बड़ी हो गई है मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारा किचन टूर है, तूने देख लिया किचन हमारा नया? नहीं। तूने भी नहीं देखा ना, तू भी आज देखेगी लोगों के साथ। आ तेरे को कुछ देना पहले जरा, वो जो हमारी वो आंटी मिली थी ना वहाँ पे उस दिन, आए जरा। तो ये चॉकलेट और ये नोट उन आंटी ने तेरे लिए दिया जो एयरपोर्ट पर आई थी, मैच में भी आई थी स्पेशली। तो मैं नोट अभी तक खोला नहीं, तो खोल के देख ले, कुछ ऐसी चीज़ हो जो बताने लायक हो तो मैं बताऊँ, वरना नहीं। धीरे धीरे बोल, ऐसे तो मैं ही सुन लूंगा। 2000 years later. कैमरे लायक है या नहीं? हाँ, मतलब ऐसा कुछ वो मतलब कुछ पर्सनल, नोट दिया ना मुझे कुछ पर्सनल ना हो। Congratulations on your marriage. You always support the correct. We appreciate this. Just stay always the same. Hope you get all the blessings of the world. You always have such positivity and attractive vibe. With love, Sangeeta. संगीता आंटी जी थी। संगीता थैंक यू आंटी जी। देखो मैंने नोट आपको पहुंचा दिया है और मैंने एक बार भी नोट खोल के नहीं देखा, सच्ची में मम्मी का। हाय
तू तैयार नहीं हुई अभी तक? मैं बस साड़ी पहन रही हूं, बॉयज वुमन। वाओ, ये वो लगा ना एक मूवी है, तूने देखी है? चांदनी चौक टू चाइना। मैं देखूंगी। और मेरी बात सुनो, छोले पूरी बने, आपको लंच में क्या लेके जाना है बता दो, कुक बना देंगे जल्दी से, क्योंकि फिर वही लेके जाऊंगा। तुम क्या खाओगे वही बता देना। मैं तो जो तू खाएगी मैं वो खाऊंगा। दोनों भाई बहनों के आ जाते हैं, जो नहीं तू खाएगी वो खा लेंगे, ठीक है? जो मैं बनवा देती हूँ फिर चिढ़ जाते हैं। चलो ये तो हमारी दाल चावल वाली है तो चल जाती थी, मुझे गुस्से से देखी थी इसलिए मैंने इनकी साइड दे दी। नहीं बहुत डराती है, दोनों भाई बहन बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब। कैसे? हमें ये खाना था। अरे ये क्या बना दिया, इसमें नमक नहीं। अरे तुम बताओ क्या खाना है। ललमत, नमक कोई कैसे बता सकता है? बता सकते हैं कि कितना नमक डालना है, बता रखा है ना। तो मंदिर में ना कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप ये देखोगे ना, ये तिरुपति बालाजी की मूर्ति है जो हमारी सब्सक्राइबर हैं गायत्री दी, उन्होंने भेजी थी, हमने मंदिर में इनको विराजमान करा लिया है भगवान को। और ये माँ काली जो कि हम लेकर आए हैं, तो लोगों ने कई बार ऐसा बोला कि माँ काली की मूर्ति घर पर नहीं लगानी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, बट भाई श्रद्धा है ना आपके मन में, माँ है, आप माँ रूप में पूजा करते हो उनकी, तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है। और मैंने जब से रखा है मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रही है, माँ है रक्षा करने के लिए आपकी। ये कैलाश का पत्थर है बहन, तू जल्दी जाके बाहर बैठ जा, ठीक है? वो कन्याएं आएंगी उनको जरा थोड़ा सा अटेंड कर, मैं और नीतू आ रहे हैं खाना बना के, चल नीतू। दूजी पर मैं सबके हाथ में कलावा बांध रहा हूँ, कलावा ना मुझे बांधना आता नहीं है, पहली बार बांध रहा हूँ। तो तुषार ने बताया कि कभी कैची से नहीं काटते, तुषार हाथ से तोड़ तोड़ के मुझे दे रहे हैं और मैं बांधता जा रहा हूँ। तोड़ के दिखा एक बार, देखो इधर देखो टेक्निक एक बार, टाइट हो गया। तो ये तीन सब्जियाँ तोड़ना, इनको काटना है, प्रसाद है ना, इसको प्रसाद को इस प्लेट में रख देना, ठीक है? ये और केले। तुषार बहुत छोटे बांध रहा है भाई, बहुत छोटे भाई, मैं तो ये ना बहुत छोटे काट रहा है इसको। भाई क्या कर रहे हो, ये तो एक ही लपेटा बंद पा रहा है। पुनीत को अपने दिन याद आ गए जब पुनीत रंगूर बन के जाता था ना। रंगूर बन के मेरे पास हलवा चाहिए, नहीं चाहिए क्यों, थोड़ा सा खा ले यार, ऐसे मत कर, इसे इधर डाल दूं मैं। और चाहिए क्या बता देना, कितना कितना चाहिए। क्या बच्चों डाइटिंग पे हो गया तुम लोग, हैं थोड़ा थोड़ा क्यों कर रहे हो, मीठा नहीं खाते तुम लोग? अच्छा बहुत ज्यादा खा के आ गए। मैं आ रही थी ना दरवाजे पे चिपक गया। पूनम दीदी आ गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन तब भी आ गई। ये ले ब्राउनी को ले ले, ब्राउनी मेरा ब्राउनी। पुनीत ने मेरा पर्स खो दिया गाइस। ये सोर दीदी रख कर आई है, मुझे पता, सच में मेरा था। मम्मा उसे मैंने, तुमने मेरे को हाथ में दिया ही खाना बनाया आज, राजू भी मैंने वाइट कलर का आपको वो दिया था पर्स। जय माता दी, जय माता दी बोलो भाई, जोर से बोलो जय माता दी। ऐसे भी तो बाहर निकली हम। ले पुनीत पकड़, पुनीत शॉक में, आ जा भाई। पुनीत का बाहर ही नुकसान हुआ आज। हां आ जा पुनीत, आ जा पुन्नू, आ जा पुन्नू, तुम केले देना बेटा। नहीं कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मेरे पास ही है, बेबी नो। जल्दी बताओ किस किस को खाना है भाई, जो जितना ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा वो मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे ज्यादा। ब्राउनी भी आए कन्या खाने, लांगूर बना, लांगूर। गाइस तुम सब पूनम दीदी का पूछ रहे थे ना, वो आ गई, हमारी वीडियोस देखते हो ना, कैसी लगती है? वो अच्छी, हम तो लाइक भी करते हैं। इन दीदी को जानते हो? आपने कब बोल दिया दीदी, मुझे जानना है। वो बता देती है सबको, पर चलो जो भी, दीदी को भी देखना, दीदी ट्रेंड पर रहती है हमेशा, पता है सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए दीदी ने। तो चलो भाई अब बच्चों के गिफ्ट्स की बारी है, बच्चों तैयार हो? हाँ। खाना खा लिया सबने? और नहीं खाना? दो गिफ्ट नहीं चाहिए, आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ ये बात सही कह रहा है तूने, जोर से बोलो जय माता दी, बस उस बच्चे को मिलेगा उसी की आवाज। चलो पेन देना बहुत अच्छा होता है, लो पेन दो। पढ़ाई लिखाई से मिलती जुलती चीजें देनी चाहिए, ऐसा नीतू का हमारा मानना। ले लो बच्चों, किस कलर का पेन लोगे? अपना फेवरेट का, ओके। अरे उसने येल्लो ही पहना, येल्लो ही लिया है। कंजी खुद तो पढ़ लिख नहीं पाई लेकिन चाहती दूसरे पढ़े लिखे हैं। शाबाश बेटा, वो अपना सपना पूरा कर रही है दूसरों के अंदर। ये तुझे क्यों झुक के बैठने की जरूरत पड़ रही है ये देने के लिए? सुन मेरे व्लॉग वाला डायलॉग रिपीट मत कर, तू चाहता है
क्या चाहता है? मेरे डायलॉग्स रिपीट करता रहेगा। चलो भाई चलो, ये टिफिन बॉक्स आप सबके लिए। उसको फिर से येलो मिला। जय माता दी, जय माता दी करो भाई। ये तो मैं भी तो लांगूर बनाऊं, आज मेरे को भी दे दे कुछ। कुछ नहीं। और क्या है भाई? बैग देते हैं। एक तो हमारा लांगूर है, लांगूर की कौन सा बैग लेकर आई थी? ये ले बेटा, ये बैग अच्छा है। इसमें तो चाहिए आपको कौन सा? ये वाला? ये सेम ही तो है। नहीं, अलग अलग है। अच्छा, गुड्डा अलग है। ये बैग्स कम क्यों हैं? इसका मैं पैन रख दूँ, जल्दी से पैन रख दूँ। मेरा गुड्डा वाला एक कम है। चलो भाई, चलो भाई, अब चॉकलेट्स लो सब। वैसे हम लोग नहीं, नीतू 10 बैग लेकर आई थी, एक बैग पता नहीं कहाँ चला गया है। तो जिस बच्ची को बैग नहीं मिला उसको हम कुछ और देंगे। क्या ले लिए? अपने ऑफिस के लिए पेन। अरे चोर, अब क्या क्या है? पैसे और साथ में जलजीरा। भाई वो भी देते, दीदी वो ले लेना है, बहन पीछे से वो दे दे जलजीरा सबको। जा जा जा, ठीक है बच्चों। बस नहीं, ये सब मैंने अरेंजमेंट करा है, ये तो ऐसे। ये दीदी अच्छी है, वो वाली अच्छी है ना, ये अच्छी नहीं है ना? हाँ ये अच्छी है, ऐसे ही बोलते हैं। सही है, सब अच्छे हैं, ठीक है। जो तुम्हारा बैग नहीं मिल रहा ना, वो इसी ने लिया है। बैग ले लेना, ठीक है। मैं आऊंगी तो मैं उधर दे जाऊंगी मंदिर की तरफ, ठीक है। मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, इसकी फोटो ले लेना, इसकी शक्ल याद रहे। क्या नाम है आपका? संजू। मैं तुम्हारे लिए बैग ले आऊंगी। संजू बस यही नाम है? पूरा नाम है कुछ? अबे पूरे नाम है, आधा होगा सा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। कैसा लगा सारा सामान? मैं पूरा नाम बोल रहा हूं। खुश हो तुम लोग? यस दीदी। दीदी अरे इसे तो बैग में टांग लिया। वाह, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी बैग में रख लो, बैग में। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंकर्प अगणित अमित छवि नव नील नील सुंदर पट पीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंकद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक चारुदारु अंग विभूषण आजानुभुज शर चारुधर संग्राम चित खर दूषण इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कावादि खल दल गंजन मन जाहि राचय मिलहि सो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील नानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित प्रिय हर्षि अलि तुलसी भवानि पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलि जान गौरी अनुकूल सिय प्रिय हर्षि सुन जाइ कहि मंजुल मंगल मूल वाम अंग पढ़ कर लगे सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी एक रिचुअल है जो यहाँ होने वाला है और आपको इसके पीछे का लॉजिक भी आज हम बताने वाले हैं। तो ये सबको चावल दिए जाएंगे थोड़े थोड़े, ये मेरे क्या बोलते हैं इसको, झोली में डालेंगे और मेरे सर पर मेरे ऊपर भी डालेंगे। इसके बेनिफिट्स अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लो एक हाथ में ले लो बच्चो, सीधे हाथ में ले लो। ऊपर से हो गया? यस दीदी, यस दीदी, थैंक यू। जय माता दी बोलते हुए चलो भाई। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, और तेज। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी। आ जाओ जाओ, आ गया, निकल के जाना फ्रेंड्स। हां आ गया, जाओ आशीर्वाद दो। दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू।
अरे मेरे बेटा आपके भी छुएंगे, आप भी लंगूर हो। लंगूर मैं लंगूर बोल रही हूँ। लंगूर जय माता दी बोलो। आप सबको भी जय माता दी। ओके बाय। ये हम लोग सब मंदिर से लेकर आते हैं इन सबको, और सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा सबको कन्या खिला के, क्योंकि सब काफी टाइम से लास्ट ईयर हम लोगों ने वहाँ पर जाके खिलाया था ना रोहित। हाँ। वहाँ पर हम लोग जाने के, तुम थे अक्टूबर में? मैं था वहाँ पर। गाइस ये वही मंदिर वाले बच्चे हैं जो मुझसे डेली पूछ रहे हैं दीदी आप कब लेने आओगे, आगे ना तुम लोग सब। अब हम अपना कुछ खाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको इस किचन का टूर कराएंगे जो मैंने आज प्रॉमिस किया था। मन तो नहीं है क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा बन गया। चलो भाई हेल्प योरसेल्फ, सबके सबको बोल रही हूं वाली सब्जी का ये रही। तो आई लेट है कौन मैं? अब मैं पूरे 9 दिनों के बाद खाना खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है क्योंकि जब फास्ट होते तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है ना दीदी, बहुत अच्छा अच्छा लगता है सब कुछ। खाना या मैं? मैं अपना फर्स्ट बाइट कुछ 8 दिन के बाद अंत का। तो अब मैंने, अब मुझे फाइनली टाइम मिला आलता लगाने का। सुबह से मैं सोच रही थी अब लगाऊं कब लगाऊं, तो मैं अपने हाथों में ये रहा मेरा आलता, और आपको पता है ये कलकत्ता से आलता आया है और ये बहुत, इसका कलर ही इतना सुंदर है पैरों में लगा रहे भैया। लेकिन एक चीज़, मैंने सिंदूर भी लगाया है और जो इसका सिंदूर की क्वालिटी है ना सीरियसली बहुत अच्छी है, और इसकी आलते की तो है ही। तो भाई लोग अब फाइनली मच अवेटेड हमारा किचन टूर, आपने एक वीडियो में देखा था, हमने बताया था हमारे घर की दीवार टूट गई तो वो किचन की दीवार टूटवाई थी, और थैंक्स टू नीतू कि उसने इतनी जल्दी दीवार बनवा भी दी। और आज आप किचन टूर देखने वाले हो हमारा, तो हम थोड़ा रात में आए क्योंकि दिन में ना लाइट अनइवन आती है, सही से देख नहीं पाते। रात का वेट करा है आपको सिर्फ अच्छे से किचन टूर कराने के लिए। मुझे लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। ओके हेलो गाइस, फाइनली आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा किचन। सो यहाँ पर वॉल थी, जैसे कि आप एक ब्लॉग में देखोगे जो डिलीट हो चुका है, उसमें थोड़े क्लिप्स हमारे पास बाकी है। ये पूरी वॉल थी, ये मैंने ब्रेक करवाई बिकॉज मुझे ओपन किचन चाहिए था जो सामने से मैं नजर रख पाऊँ हर एक चीज पर जब मैं कुकिंग करूँ। एंड ये है ब्रेकफास्ट चेयर, यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये चेयर लगवाई। ये चेयर भी हम लोग अभी मार्केट गए थे तब लेकर आए। कैसी लग रही है चेयर? गोल्डन वुडन एंड ब्लैक थीम में मैंने इसको, इसका मेरा आइडिया आया था कि मैं ऐसा करवाऊंगी। यहाँ पर हमने लाइट्स लगाई है, ये है फ्रूट्स की टोकरी जिसको अभी हमने रखा है, अदरवाइज हमारे पास हमारे फ्रूट्स फ्रिज में होते हैं। ये दो लैम्प, नॉट लैम्प एक्चुअली, ये दो चीज़ें हैं जो कि हम अभी लेकर आए थे। ये लखन की पसंद है, ये मेरी पसंद है। आप कमेंट से बताओगे दोनों में से क्या अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखी है बिकॉज यहाँ पर खाना खाएंगे तो जो स्लैब है ना काफ़ी बड़ी है और इसमें हम आराम से खाना खा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छा है स्पेस। ये नीचे भी कुछ और डिज़ाइन कराए यहाँ पर, पेंटिंग हुई है ब्लैक में। और सबसे अच्छी बात है यहाँ से किचन में खाना बना के लाते रहो, यहाँ बैठो और खाते रहो, क्योंकि आपको पता है डाइनिंग टेबल वाला कॉन्सेप्ट हमें पसंद है ही नहीं, या तो हम लोग वैसे भी यहाँ बैठ के खाना खाया करेंगे या फिर यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। और यहाँ पर डोर था वो मैंने तोड़वा दिया, तो यहाँ पे अब ये पूरी ऐसी जगह है मंदिर के साइड में, डोर गायब, सब हट चुकी है। आप देखोगे अंदर कम इन, यहाँ पर ये वुडन वर्क हुआ है, वैसे मैंने यहाँ पर सारा सामान रख दिया है, लगकर सारे नए बर्तन, नए कप, व्हाट पेपर, सब कुछ नया है यहाँ पर, एवरीथिंग। ये मैंने थोड़ा उसका थीम दिया, मैंने अपने किचन से थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पर काम करवाया, नॉट टू मच। यहाँ पर अभी ये आ गया है क्योंकि सुबह सुबह धूप काफी ज्यादा आती है यहाँ से, तो ये ब्लाइंड्स हैं। हाँ ठीक है भाई चल आ जाएगा, अब ये दिखाते हैं यहाँ पर वॉश बेसिन। रोहित ब्लाइंड्स लगा देना, ये है, और ये मैंने आप सभी के लिए रखा है क्योंकि आप सब बहुत हमें प्यार देते हो, हमारे चीजों को बहुत प्यार देते हो, तो ये काजू बादाम सब आपके लिए, खा के बताना कैसे लगे। नीचे भी लाइट्स दी है, यहाँ ये लाइट्स का मेरा ऑप्शन नहीं था, सोनू जी ने लाइट्स दे दी है। और आप देखोगे कि अब मैं कुकिंग जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर आलू प्याज भी रखवा दिया। मम्मी ये देखेंगी ना व्लॉग तो मम्मी मुझे चिल्लाने वाली क्योंकि मम्मी बोलेंगी इसमें पहले न्यूज़पेपर रखने थे, उसके बाद ये रखना था, ये आज ही आया मम्मी,
काफी सारे स्टोरेज है यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह मैंने स्टोरेज है, ऊपर भी स्टोरेज है, इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं, जैसे ये रखा हुआ है ऐसे भी हम रख सकते हैं, मतलब लगेगा नहीं। ये चिमनी जो कि हमने लगवाई है, तो पिछली वाली किचन में क्या हो गया था कि चिमनी बहुत नीचे थी हाइट में ना, तो ये हमने ओपन मतलब रखने का ये था कि जैसे सामने वीडियोस वगैरह बनते हैं तो हम सही कुकिंग वीडियोस बनते हैं तो सही से दिखा पाए, बट ये इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर हमने करवाई है उस वाले से ज्यादा। एक चीज कि हमने ये पूरा जो विंडो है उसको पूरा ब्लैक करवा लिया क्योंकि लाइट्स अंदर आती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम थी, गर्मी भी लगती है, इसे हमने करवा लिया। बाकी आप ये साइड देखोगे तो यहाँ पर ओवन है, यहाँ पर दो ये ओवन अभी लेकर आई ना, दो ही है ना, नहीं मतलब उस टाइम लेकर आएगी। और सबसे अच्छी चीज हमारी ये फ्रिज, इस फ्रिज में अभी हमने साइन इन नहीं किया, ऑब्वियसली अभी हम यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए तो साइन इन अभी नहीं किया, ये मेरे से साइन इन होगा और आप इसमें कुछ भी देख सकते हो, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम तो लखनी व्लॉग्स ही देखेंगे, हम लखनी व्लॉग्स देखेंगे और नीतू बस के शॉर्ट्स देखेंगे, सो डोंट मिस दैट। ये है फ्रिज, फ्रिज में अभी मैंने बोला जैसे कि अभी कुछ है नहीं। एक अच्छी चीज गाइज मैं आपको बताऊंगा, मैंने नीतू को बोला था, नीतू हमारे घर में जितनी प्लास्टिक बॉटल्स है ना इनको रिप्लेस कर दो, नीतू कांच की बॉटल लेकर आई है, तो ये अच्छा लगा मेरे को, मेरे कहने पर इसने किया, क्योंकि या तो कांच की बॉटल में पीऊंगा इससे मैं या फिर मेटल वाले में। भाई प्लास्टिक के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे जहाँ ये बताया गया कि हाउ हार्मफुल प्लास्टिक बॉटल इज, आप इससे जो पानी पीते हो वो भी कितना हार्मफुल हो सकता है, तो अपने अपना मानने के ऊपर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेटल से कॉपर से या जो दूसरे तरीके के वो होते हैं ना बॉटल्स उनसे पिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कांच के बॉटल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस नीतू, बाकी हमारा ये किचन अब यहाँ पर ऑल लाइट्स तो ऑन ही नहीं कर रही है, अब हुई है शिफ्ट, पीछे भी यार ये बहुत अच्छा आ रहा है, अब आप सोचो जब यहाँ से हम ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे ऐसे सब क्या करेंगे, इधर बैठ के खाया करेंगे, लाइट्स भी अच्छी लग रही है, मैं खाना बनाऊंगी और तुम्हें दूंगी, लो लक्सू खाओ, सोनी दीदी पूनम दीदी सब खाओ, कितना अच्छा लगेगा ना यार, मेरा बहुत बहुत अच्छा पूरा लुक चेंज करा दिया। एक्चुअली ये मेरा ड्रीम किचन है, सीरियसली ये मैंने सोचा था कि मैं जो हमारा पुराना डेकोडर उसमें सोचा था कि मैं ओपन करवाऊ, बट क्या हुआ ना लेट हो गया ओपन करवाना, इसलिए जैसा मैंने चाहा वैसा कर दिया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आप कॉमेंट्स करके बताना ये किचन कैसा लग रहा है, दिल से कॉमेंट्स करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं सबके कॉमेंट्स रीड करूंगी और बताऊंगी, क्योंकि यार मुझे पता है घर बनने में ना बहुत टाइम लगता है बहुत, और जब अगर कोई दिल से बनाता है लाइक मैंने ये अपना ये किचन बहुत पूरा घर में दिल से बनवा रही हूँ, लेकिन ये किचन है ना क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, बहुत 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 मुझे तो, ये तो तुमने दिखाया ही नहीं अभी, मुझे लखन के लिए खाना अलग अलग तरीके का बनाना पसंद है। अच्छा एक चीज दिखा, ये नहीं दिखाया हमने, क्या बोलते हैं इसको स्टोव, ये स्टोव है और रोहित भाऊ ने बंद कर दिया है आप देख सकते हो, तो ये पूरा ना ब्लाइंड हो जाता है क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा वो सनलाइट आती है, और एक चीज आप ऊपर जब ध्यान से देखोगे तो लाइट्स और पैनलिंग कराई हुई है काफी सारी यहाँ पे, और मेरे ख्याल से ये लाइट ज्यादा अच्छी इवन लाइट पड़ रही है, जो पूरे वहां लाइट लगवाई हुई है ना, एक्चुअली जिसने हमारे डेलकोट वाले घर में आपने देखा होगा जो लाइट्स लगी हुई है ना वो हार्श लाइट है, प्रोडक्ट वाली लाइट है वो, चैनल लाइट्स मैंने पूछा पता चला 50,000 की एक थी, लगन ये जो लाइट्स है ना ये पूरी वॉल टूट के पूरी ये रूफ टूट के लगी, अच्छी लग रही है लेकिन यार ये हमारे मोदी अंकल को जाता है क्योंकि अंकल नहीं है रूफ, मैंने ऊपर का कुछ चेंज नहीं करा, उन्होंने हाँ जिन्होंने जिनसे हमने लिया उन्होंने कराया होता है, यहाँ पर फैन भी लगवाया हुआ है और फैन से भी लाइट्स आती है, आई विल शो यू, अच्छा लेजर लाइट टाइप की लग रही है, ठीक है भाई करते बंद, नाइस ना। तो ये था हमारा प्यारा स्वीट सा किचन, तो भाई लोग हमारे सैंडी भाई इसलिए आए बीच में बताने कि इनके पास एक दो पुराने क्लिप्स हैं, अब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखना किचन कैसा था और कैसा बना दिया विद इन 20 days, वन एंड हाफ मंथ हो गए, तो डेढ़ महीने में कैसा बन गया, अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखो सबसे पहले ये। शॉपिंग में सैंडी का बहुत बड़ा योगदान है, अगर सैंडी नहीं होता तो बार्गेनिंग नहीं होती, बार्गेनिंग होती हमें सस्ती चेयर और ये सब नहीं मिलते, और रोहित भी हमारे साथ गया था डांट खाने क्योंकि रोहित हर जगह रिकॉर्ड करने लग रहा था और गोरत नो डोंट रिकॉर्ड, तो ये है हमारा प्यारा सा किचन और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, आपने सब चीजें देख ली दोनों चीज, अभी हमने सिर्फ आपको दोनों चीज दिखाई, अभी यहाँ का पूरा रॉ होम टूर अभी आएगा, रॉ फुटेज आएगा, रॉ होम टूर आएगा, वो भी देखकर बताना कितने चेंजेस क्या अच्छे लगे। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा किचन, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, 100,000 लाइक तो आने चाहिए, देखो हमने किचन तक दिखा दिया आपको, अब आपको अगर पूरा घर देखना है तो आपको 100,000 या कुछ नहीं मांग रहे हम 100,000, आज तो नीतू ने भी बोल दिया, चलो ठीक बाय टेक केयर, ऐसे बाय नहीं करूंगा आपको पता है क्यों, बाय बाय टेक केयर, आई लव यू ऑल, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और कल बड़ा स्पेशल ब्लॉग मिलेगा आपको देखने को, यही बाय।